नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में आज कांग्रेस बूथ सम्राट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियां जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने जरूर बीजेपी का साथ दिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग हुए हैं और प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देगी। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता के बीच आएं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत करवाएं। कार्यकर्ताओं के साथ साथ दूसरे जो लोग हैं उनको भी अवगत करवाएं, वोटरों को इनसे जोड़ें। पल पल सिरसा से अमर सिंह जाने की विशेष रिपोर्ट। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर चुटकी लेते हुए अशोक तंवर ने कहा कि सारा आशीर्वाद अकेले बीजेपी को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो मोदी के नाम से वोट मिल गए, लेकिन इस बार चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कल परिवर्तन यात्रा को लेकर के अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो वही है और लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने पार्टी से ऊपर नहीं समझना चाहिए। एक तरफ ये सब अनुशासनहीनता का मामला है और ये पिछले काफ़ी समय से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि इसका अंत होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी कमज़ोर किसने की और लगातार कांग्रेस पार्टी की सीटें क्यों घटी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बनाई गई कमेटी पर तंवर ने कहा कि इस तरह की कमेटी का कोई भी औचित्य नहीं है और ना ही इस तरह की कमेटी बन सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा घोषणाएं किए जाने के सवाल पर अशोक तंवर ने कहा कि मैनिफेस्टो पार्टी का होता है, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष का, इसलिए पार्टी प्रभारी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अशोक तंवर ने कहा कि इस मामले को लेकर के वो खुद पार्टी हाईकमान से मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में बूथ सम्राट सम्मेलन करवाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में शाम सिरसा कालावाली में भी बूथ सम्राट का आयोजन किया जा रहा है। अब देख रहे हैं पल-पल की खास रिपोर्ट। ये पूरे हरियाणा के अंदर बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारी कमेटियां गठित करने के लिए पार्टी का प्रचार प्रसार तेजी से हो सके, जो कमियां लोकसभा में रही है उसको हम दुरुस्त कर सके, ये पूरा एक बूथ सम्राट कार्यक्रम हमने चलाया हुआ है पूरे हरियाणा के अंदर। और आज बूथ सम्राट सम्मेलन यहाँ सिरसा में हमारे साथियों ने आयोजित किया। आदरणीय जयराज शर्मा जी, भाई भूपेश जी, नवीन जी, राजकुमार शर्मा जी, तमाम जो हमारे साथी हैं सब लोगों ने जो आने वाले समय में इस इलाके में कांग्रेस को और मजबूत करेंगे, तो सारी बातें यहाँ पर चर्चा होती है और बारीक से आगे की हर विधानसभा की रणनीति हम तैयार करते हैं। पार्टी लीडरशिप का जो संदेश है वो बचाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएँ हैं, जो उनके चुनावी वायदे पूरे नहीं कर पाए, जिस तरीके से प्रदेश में बेरोजगार, भ्रष्टाचारी, अपराध, कानून व्यवस्था खत्म, किसान मजदूर कर्मचारी सड़कों के ऊपर, ये सारे मुद्दे हम इसमें उठाने का काम कर रहे हैं। सारा आशीर्वाद बीजेपी थोड़े लेगी, अभी लोकसभा में आशीर्वाद दे दिया मोदी जी के नाम पे, उन्होंने मांग लिया और जिन मुद्दों के ऊपर मांगा वो बार बार तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं समझता हूँ कि अब आशीर्वाद की बारी जो है कांग्रेस की है और प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस को आशीर्वाद देगी, जनता हमारे साथ। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस तो पहले वाली है, वही कांग्रेस है जिन्होंने सब लोगों को सब कुछ दिया है, 10-10 साल मुख्यमंत्री रखा और बातें रखी। किस संदर्भ में क्या कहा है वो तो आगे, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मामला जो है इस तरह की जो बातें होती हैं, अनुशासनहीनता भी है। व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा हो, अनुशासन में रह करके और 100 बार सोच करके उनको अपना वक्तव्य देना चाहिए। तो पार्टी वही है, बल्कि पार्टी कमज़ोर किसने की, ये सवाल आज है। कांग्रेस ने तो बहुत मजबूती से, जो पूरी लीडरशिप है उन्होंने तो हमेशा मजबूत करके पार्टी सौंपने का काम किया, तो फिर क्यों लगातार कांग्रेस की सीटें घटती रही, कमज़ोर क्यों होती रही, ये तो अपने आप उनको सवाल पता है। यहाँ तक मामला साबुन से पगड़ी धोने का है। मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि आज भी इस तरह की जो सोच है वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम करती है,
और जब गरीब समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, ये जो समाज का जो वो तबका जो आज संविधान के माध्यम से बराबरी का हक पा करके आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों को कुछ ऐसी सोच आज भी इस समाज में देखने को मिल रही है जो उस सोच को हजम नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते। बाकी मैं समझता हूँ कि जनता ने फैसला करना होता है। पहली बात तो अब मैं समझता हूँ कि पार्टी इसका पूरा संज्ञान लेगी और इस तरीके से पार्टी का मैनिफेस्टो होता, किसी व्यक्ति का मैनिफेस्टो नहीं होता, तो इसलिए प्रभारी जी इसका संज्ञान लें। वो बहुत संज्ञान इन बातों का गंभीरता से लेते हैं और मैं समझता हूँ कि इस पूरे मामले को लेकर के लीडरशिप के पास भी अपने आप आज तो सूचना क्रांति का समय है, वो सारी चीज़ें पहुँच भी जाती है और हम भी वो सारी बातें ये संज्ञान में लेकर के आएंगे कि किस तरीके से हरियाणा को, हरियाणा कांग्रेस को कमजोर करने की एक साजिश चल रही है। कंवर साहब, उन्होंने ये कहा कि स्वरूप बंधन में आज तोड़ कर आया हूँ और सारी बातें मैं यहाँ पर रखूंगा, और 25 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात भी कही। देखिए, इस कमेटी का तो कोई औचित्य है नहीं, ना इस तरह की कोई कमेटी बन सकती, ये तो ICC का विशेषाधिकार होता है या प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस तरह की जारी कर सकती है, तो वहाँ तो कोई मामला है नहीं। बाकी बंधन मुक्त तो आदमी को रहना ही चाहिए, बंधनों में आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत में तो आज़ादी रहने चाहिए, लोग क्यों गुलाम रहेंगे। और जो गुलाम है उनको बेड़िया तोड़ देनी चाहिए। आपको लगता है अनुशासनहीनता हुई वहाँ पर? अनुशासनहीनता तो बहुत लंबे समय से चल रही है, अब तो मैं समझता हूँ कि अनुशासनहीनता का अंत होना चाहिए और इसका गंभीरता से पार्टी संज्ञान लेगी। तो आप अध्यक्ष को नोटिस जारी करेंगे उनके? हम सारी बातें नेतृत्व से चर्चा करेंगे और मैं समझता हूँ कि नेतृत्व इस तरह के ना कोई दबाव ना कोई इस तरह के जो लोग चुनौती और चैलेंज के रूप में बातें रखते हैं उसको कोई स्वीकार कर दबाव की राजनीति के दबाव डालने के लिए किया। लोग कोशिश सारे हथकंडे अपनाते हैं, कहते हैं इसमें राजनीति में जंग में प्यार में सब जायज है, लोग सोचते हैं सब जायज है, ये नाजायज चीज़ है। प्रदेश अध्यक्ष को उठाने के इनके दबाव लगातार वो तो मैं समझता हूँ ये पार्टी के फैसले होते हैं। आज मैं काम कर रहा हूँ, हजारों लोग हर जगह मिलते हैं और इसी तरीके से ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। तो आप सीनियर लीडरशिप से मिलेंगे इस मामले? बिल्कुल मिलेंगे, इस मामले को लेकर मिलेंगे। राजीव जी का कल जन्मदिन है और पूरा वर्ष ये जन्म जयंती वर्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी मनाएगी, कल से हम उसको शुरू करेंगे और 22 तारीख को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम है और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें आगे बातें की जा रही थी। 18 तारीख को परिवर्तन रैली होगी, परिवर्तन होगा क्या लगा आपको? अभी कुछ दिखाई तो देता नहीं हमें, तो परिवर्तन होगा, अक्टूबर में होगा जब चुनाव विधानसभा में। केजरीवाल ने मैं से कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी खत्म करके अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंप देनी चाहिए हरियाणा। मानते हैं गुटबाजी है? गुटबाजी किसने कर रखी है? जिन्होंने कर रखी है वो इसको खत्म करें और पार्टी में जो लीडरशिप में फैसले कर रखे हैं उनके साथ खड़ा होकर के आम जनता की आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि अपने व्यक्तिगत हित की आवाज़ उठाएं।